बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में मेयर के लिए 22 फरवरी को चुनाव होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। अब 22 तारीख की तारीख जो है वो मुकम्मल की गई है, टेक फोर है, मेयर मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, और ये तो पहले ही अपना टेक में मिल जाता, मगर क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने बड़ा वहाँ पे हल्ला किया, पूरे हाउस को डिस्टर्ब किया, इसलिए नहीं हो पाया इलेक्शन। मगर मुझे उम्मीद है कि 22 तारीख को दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि आप लोग नहीं चाह रहे थे कि मेयर बने और इस वजह से हो हंगामा हुआ, इस वजह से 3 बार मेयर नहीं बनने दिया गया। ऐसा देखिए कि हमने देखा इलेक्शन में उनके नंबर ज़्यादा हैं, उनके अपना पार्षद ज़्यादा चुन के आए हैं, तो इसमें हमारा मेयर बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उनके नंबर ज़्यादा हैं, हमारे नंबर कम हैं, तो हमारा मेयर कैसे बनेगा? हाँ, अगर वहाँ के पार्षदों ने ये ठान लिया कि भाई आम आदमी पार्टी को नहीं जिताना है, उनके लोगों ने ठान लिया, तो हम क्या कर सकते हैं? मगर मुझे ये लगता है कि क्योंकि आज उनके नंबर ज़्यादा हैं, तो पूरी संभावना है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। बाकी तो 22 तारीख को देखेंगे क्या होता है। महाशिवरात्रि के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की और सीएम शिवराज संध्या आरती में शामिल हुए। महाकाल के मंदिर में मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ पूजा की। मुख्यमंत्री ने भगवान शिव का श्रृंगार किया और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। सीएम शिवराज ने भगवान महाकाल से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक कार सड़क पर धू धू कर जलने लगी। यह हादसा प्रेम मंदिर के पास हुआ, जहां चलती हुई कार आग का गोला बन गई और कुछ ही देर में भीषण आग की लपटों में कार जलकर खाक हो गई। आग लगने के वक्त सड़कों पर भीड़ थी और लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों ओर से सड़क पर ट्रैफिक को रोक दिया। राहत की बात रही कि कार में सवार लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन लोगों ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस कस्टडी से फरार दो शातिर बदमाशों से रात पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद घायल बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। शनिवार दोपहर पुलिस इन बदमाशों को मेडिकल के लिए ले जा रही थी, तभी ये कस्टडी से फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस की 4 टीमें बदमाशों की तलाश में लगी हुई थी, जिन्हें रात को मुठभेड़ में पकड़ा गया और इनके पास से एक मोटरसाइकिल और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। शिव महापुराण कथा पंडाल में देवकी नंदन ठाकुर ने जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ ऐसा बोला कि अब हंगामा हो रहा है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मंच से जनसंख्या नियंत्रण पर लोगों को पाठ पढ़ाते हुए कहा कि जब तक कानून ना बने तब तक 5-5 बच्चे गोद में खिला। दशहरा मैदान में आयोजित कथा में देवकी नंदन ठाकुर ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराया। इससे पहले भी देवकी नंदन ठाकुर कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर चुके हैं।